देखिए हम लोग पढ़ रहे थे अभी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित कार्य में कुछ क्रियाकलाप कर रहे थे, एक्टिविटी कर रहे थे कि कैसे जो है केस का क्रिया होती है, कैसे जो है ये बाती जलता, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो है कैसे जो है तेल ऊपर चढ़ जाता है, उसके बारे में हमने समझे। और देखिए ये जो चारों दीपक जल रहा है, विज्ञान के साथ साथ हम आज एक प्रेरक कहानी इसके माध्यम से समझते हैं, चार दीपक का प्रेरक कहानी। एक का नाम था प्रेम, एक का विश्वास, एक का शांति और एक का था आशा। चारों दीपक जिस तरह से इस रूम में जल रहा है, चारों दीपक जल रहा था। जलते जलते क्या हुआ, एक दीपक जो है आपको बुझ गया था। तब पूछा एक दूसरे से कि तुम क्यों बुझ गया। तो पहला दीपक था उसका नाम था प्रेम। वो कहा कि हम इसलिए बुझ गए कि जब हम इस संसार में चारों तरफ देख रहे हैं तो कहीं प्रेम भाईचारा नहीं दिख रहा, चारों तरफ वैमनस्यता ही वैमनस्यता है, इसलिए हमको अब रहा नहीं जाता है। और इसी समझ के हमने अपने आप को बुझ जाना ही अच्छा समझे और वो दीपक बुझ गया, प्रेम। दूसरा जो था उसका नाम था विश्वास। विश्वास भी धीरे धीरे जलते जलते कुछ देर के बाद बुझ गया। तो उससे पूछा कि तुम क्यों बुझ गया। तो वो भी कहा कि हम जब इस संसार में देखते हैं, दुनिया को जब देखते हैं, तो कहीं विश्वास नहीं दिखाई देता, कहीं विश्वास दिखाई नहीं देता है, जिधर जाइए उधर झूठ, जिधर जाइए उधर झूठ। इसलिए हमको लगा कि संसार में हमको भी जलना उचित नहीं है, और वो दीपक जो आपका विश्वास था वो भी बुझ गया, वो भी बुझ गया। अब जो है इसके बाद बच गया शांति, जलते जलते बुझ गया। तो उसे पूछा कि तुम क्यों बुझ गया। तो कहा कि जब हमने समाज में देखें, इस संसार में देखते हैं, तो चारों तरफ अशांति ही अशांति फैला, तो हमें भी लगा कि ऐसे संसार में जीना रहना हमके लिए अच्छी बात नहीं है। वो दीपक भी बुझ गया, शांति, तीनों बुझ गया था। अब बच गया था आशा, आशा जल रहा था। इसी बीच का हुआ कि जैसे आप इस कमरे में पढ़ रहे हैं, दीपक जल रहा था, एक बच्चा प्रवेश करता है, अब पूछता है उस दीपक से जो जल रहा था आशा से कि वो तीनों दीपक जो है क्यों बुझ गया। तो इस दीपक ने बताया आशा कि देखिए आपको प्रेम, विश्वास और शांति सब जब खत्म हो गया है तो मैं आशा हूं, मैं फिर से एक बार जो प्रेम, जो विश्वास और जो शांति खत्म हुआ है समाज में, मैं उसे फिर से हम जीवित करता हूं, फिर से हम जिंदा करता हूं। तो जो आशा का दीप जल रहा था, एक बार फिर से प्रेम, विश्वास और शांति का दीप जलाने का काम किया। इस प्रेरक कहानी से यह आप लोगों का शिक्षा है, संदेश है कि जब कोई भी काम आप करते हैं तो आपका जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, बहुत तरह के बाधाएं आएगा, लेकिन
आप अपने आप में कभी आशा को मत छोड़िए। आपके साथ आशा है तो आप प्रेम को भी जीत सकते हैं, विश्वास को भी जीत सकते हैं और समाज में शांति भी कायम कर सकते हैं। आज आपको इस दीपक के माध्यम से हम विज्ञान के साथ साथ आपको एक प्रेरणादायक कहानी बताएं, आप अपने जीवन में पालन करिए और एक अच्छे विद्यार्थी बनिए। इसी प्रेरणादायक कहानी के साथ आज का जो है विज्ञान का क्रियाकलाप को समाप्त करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाल केंद्रीय शिक्षा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।